इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और है कि इसमें ना क्लच की स्मेल बहुत जल्दी आने लगती है। इससे कैसे गाड़ी चढ़ा दी हमने भाई, अब पता लग रहा है दूसरे एंगल से देख रहे आते वक्त। ओ बेल्ट और यार पूर परेशान करते हैं यहाँ पे दो की स्पीड नहीं गिर रहे हम यहाँ दो की स्पीड पे बेल्ट की कह रही हाँ मजे मत ले हाँ नहीं देख पाएगा कोई वीडियो ये ये मोबाइल में रह जाएगी नहीं घुमाना चाहता हूँ, ये नजारे देखना नहीं दिखाना चाहता हूँ। देखो जहां पर हम जा रहे हैं ना वहां का भाई ये ट्रैक देख लो आप, ये रास्ता भाई बड़ा डिफिकल्ट है। और अभी भाई हमने फोर लो फोर हाई यूज नहीं किया है, मेन बात ये बताने की है भाई बहुत ज्यादा एकदम आगे और ओहो इससे भी ज्यादा टफ है आगे। तो आज भाई स्कॉर्पियो की टेस्टिंग चल रही है कि टू व्हील पे कैसे काम करती है ये, है ना? सही है, लो लगाएंगे नहीं हम, जो बिल्कुल फंसेगी नहीं जब तक एकदम मजबूरी ना आए नहीं पड़ेगी जी। तो पेंथर कहाँ से आ गए एकदम निकल गए गड्ढे पड्ढे भाई, बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है पर कोई बात नहीं, गाड़ी को टेस्ट करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और एकदम हाइट पे चढ़े जा रहे हैं हम, नीचे कुल्लू है और कितना आधा घंटा हुआ होगा हमें। ये देखो भाई ओहो हो वाह वाह वाह, रास्ता तो है ही नहीं आगे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और हाँ रास्ता तो है भाई, चलो कोई पैदल आ रहा है तो गाड़ी का भी यही जब बताया है किसी ने तो रास्ता तो है। ओहो ओहो चढ़ी भाई चढ़ी, बहुत ताकत है भाई गाड़ी में बहुत। ये क्या करके मानेंगे कोई नहीं जानता, बट अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो ये हरकतें मत करना, और आपकी गाड़ी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इतना इजी नहीं होता इन चीजों को निकालना। ठीक है ना, टेक माई एडवाइस डोंट ट्राई। लो पे लगा लेता हूँ बस, ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, अब है चीज तो यूज कर ले, नहीं तो भाई जाना तो है। अभी तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर क्या बता रहे थे, 3 किलोमीटर ऐसा रास्ता, और यहाँ से तो अभी असली एडवेंचर स्टार्ट हुआ है। तो भाई लो पे लगा दिए ताकि दोबारा बार बार भाई टायर में से स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, ज्यादा स्किड कर रहे हैं। ओहो हो आह, और कहाँ जा रहे हैं पहुंच के बताएंगे भाई, ये कहाँ का रास्ता हमने आज नया रास्ता लिया है। आहा रास्ता आहा, लो पे कोई दिक्कत नहीं है, तो घोड़े की तरह भाग रही है। ओह सच्ची में पता ही नहीं लग रहा। हाँ जी वाह, पर आगे रास्ता है। अरे भाई बना दिया, मतलब पहले नहीं था ये बनाया इन्होंने, अब ये पार्ट टूट गया होगा ना यहाँ से। बहुत चलने लगी यहाँ पर तो, और अभी ऐसे 3 किलोमीटर कब पहुँचेंगे फिर हम, आज ही पहुँच जाएंगे देखते हैं। वह कमाल के रास्ते पे आ गए भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ऐसे रास्ते पे, मतलब इतनी हाइट पे भाई। यहाँ कोई ट्राई मत करना छोटी गाड़ी लेके आने की, नीची गाड़ी कोई भी मतलब ही नहीं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले रुक जाएगी। गाड़ी चाहिए यहाँ पे 4x4। अरे ऑल्टो कैसे चढ़ गई भाई ये, तभी तो इसको ऑल्टो कहते हैं पहाड़ों की रानी, ये तो कहीं चढ़ जाती है पता नहीं इसमें क्या, मारुति वालों ने 4x4 पहले लगा के दे दिया, ये गॉड गिफ्ट है फ्लाइंग मोड है ये कहीं चढ़ जाएगी भाई, ये बड़ी बदमाश गाड़ी है।
अच्छा यहाँ तो हिमाचल की बहुत मेरे ख्याल से फेवरेट कार है ऑल्टो। हाँ सस्ती भी और 4x4 कहीं भी पहुँच जाए, ये चढ़ जाती भी ना 4x4 वहाँ पर अटक जाती है तो। एक जगह तो ऐसा आया था, वेट पड़ता है ना। हाँ हैवी है ना वो, हल्की भी उसका वेट नहीं है। और देख कीचड़, ओहो नाच नाच चल रही गाड़ी। ओहो फिर वैसा रास्ता, ओहो ये क्या भाई यार, किसी की चलो पाइप पानी की है ऐसे, फिर रास्ता आ गया वैसे ही। कैसन कैसन बनेगी बात, पर अब की बार भाई 4x4 लगा रखे, 4x4 पे हमने 4i पे लगा दी, देखते अब क्या फर्क है। चल भाई चल, ओ कोई मतलब ही नहीं कहीं रुक जाए, पैसा वसूल। भैया जो पैसा लगाया था वसूल हो रहा है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। लो जी एक और जगह आ गई वैसी। ओ रे वाह वाह वाह, चढ़ी चढ़ी। अपने अपने पेटियां बांध ली जी, मैंने बांध ली, आप भी बांध लीजिए। वो कोई बात नहीं, जैसा ट्रैक है उसकी कोई बात नहीं है, पर 3 किलोमीटर ऐसे जाना, तो आधा किलोमीटर आगे होंगे भाई, 2.5 किलोमीटर और ऐसे ही जाना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है हमारे लिए, और आगे क्या है इसको। अरे ये अब बंदा मिला था बाइक पे, वो कह रहा है इससे भी खराब रास्ता आने वाला है भाई, इससे ज्यादा खराब क्या आएगा, ये तो हमारे लिए तो खराब से भी खराब है। और राइट लेफ्ट में भी तो जगह नहीं है, मेन बात तो ये है, वह गलत पंगा ले लिया आज तो। बोल आगे कहीं रास्ता है भाई, ऐसा है जहाँ टर्न आएगा ना मोड़ ही लेंगे, मतलब कोई ऐसा स्पेस आएगा तो वही करेंगे, और क्यों करेंगे ना, ऐसा रिस्क नहीं लेंगे भाई। ये पहाड़ तो खुद ही गिरने को हो रहा है लेफ्ट में तो, चलो लेफ्ट में तो मिट्टी है बस। गाड़ी भी लेफ्ट राइट में भाग रही है भाई, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। ओह नीचे खटाक आवाज आई, खटाक। मैं तो भाई मोड़ूंगा अभी, जहाँ जगह मिल गई है स्पेस बस तो यहीं से मोड़ूंगा, इससे खराब रास्ता आएगा तो भाई ऐसा रिस्क नहीं लेना। भाई कैसी हालत होगी गाड़ी की, किसी ने गलत रास्ता बता दिया हमें, और ये और कह रहे हैं कि आधा घंटा और पैदल चल के जाना पड़ेगा, अभी तो वहां से इससे भी टफ रास्ता है आगे भाई, वो रास्ता वहां पे बलैरो टाइप की कौन सी गाड़ी होती है ये दिख रही है वो नहीं भाई, उसके बाद कह रहे हैं टर्न है, वो है सबसे खतरनाक रास्ता यहाँ का, मतलब सबसे खतरनाक तो क्या होता है, पर यहाँ का काफी टफ रास्ता है। तो मैं तो ले रहा हूँ भाई वापस, यहीं इस पे थोड़ा सा स्पेस है, यहीं से टर्न कर लेते हैं गाड़ी, और ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ पे ना ये बारिश का टाइम हो रखा है ना यहाँ पे, यहाँ पीछे ही भाई मैं बता दूँ अभी हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे बिजली महादेव मंदिर ऊपर है, और यहाँ से अभी और काफ़ी दूर बता रहे हैं बाइक वाले आए, और डिफिकल्ट रास्ता है तो ऐसा ना करके। और ये है बिल्कुल कसोल से ऊपर, जो कसोल का रास्ता है जो कुल्लू से कटता है, वहाँ से कसोल से पहले कोई ब्रिज है उससे हम ऊपर हुए थे, किसी ने बताया भाई यहाँ से चले जाइए अच्छा रास्ता है, तो भाई हमने भी ट्राई किया, पर ट्राई करके ये मिला, देखो ये मेरे पीछे इस तरह के पहाड़ है रास्ते में, जाते वक्त और दिखाएंगे आपको। तो भाई अभी तो दिन है, अभी कितना टाइम हुआ विनोद, टाइम क्या हुआ भाई, चार बजे अभी तो 4 बजे, तो अभी भाई 2-2.5 घंटे हमारे पास, हम कहीं पे भी जाके कैंपिंग करनी है हमने तो स्पेस ढूंढ लेंगे। हमने सोचा था कि बिजली महादेव जाके और वहीं पे जाके कैंपिंग करेंगे, वहीं खाना खुना सब कुछ सेटअप कर लेंगे, कह रहे थे वो तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे है ऑप्शन तो, पर भाई गाड़ी ले जाना इस रास्ते से इस टाइम पे जो ये सिचुएशन हो रखी है वो डिफिकल्ट है। तो भाई अभी वापस चलेंगे, वापस का रास्ता देख लो आप कैसा है, इसमें नहीं दिख रहा, आप चल के दिखाते हैं। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और है कि इसमें ना क्लच की स्मेल बहुत जल्दी आने लगती है। अब भाई मैंने कभी पहले 4x4 यूज़ की नहीं है, हाँ फ्रेंड ने तो काफ़ी ने यूज़ किया, पर ऐसी कंप्लेंट बताई नहीं भाई मुझे तो। अभी देख लो इतनी देर अभी लगाया था मैंने, 4x4 यूज़ किया था लो भी और हाई भी, और अभी बड़ी तेज़ स्मेल आ रही है इसमें से, पता नहीं भाई मेरी में प्रॉब्लम है सब में ही होती है। चल पीछे आजा 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 आजा, और आता रहे आता रहे, जा 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 जा,
बस अच्छा आगे भी बताना था क्या? पीछे ले रुक जा। अच्छा चल 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 आता रहे बस पीछे आ पीछे। मतलब यहां से गए हैं? चलो उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, गाड़ी बस धीरे से थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ की प्रॉब्लम ऐसी की धीरे जगह पहाड़ टूटे हुए हैं अभी मिट्टी से ना, ऐसे जैसे वो भरत नहीं करते मिट्टी की लेवलिंग करते हैं, वो किया है कि हाँ ऐसे बस थोड़ा थोड़ा दबा दबा के। हाँ कि कोई लोकल्स की कितनी टफ लाइफ है भाई। हाँ ये पहाड़ टूटा है ना, बारिश में ज्यादा दिक्कत होती होगी। और यहाँ पे भाई एप्पल ही एप्पल है, एप्पल की मौज है यहाँ। अरे एप्पल की तो है लेकिन और जो पत्थरों की मौज जो खाते हैं उनकी मौज है, जो खिला रहे हैं उनकी नहीं है। उनकी लाइफ तो बहुत टफ है। अरे भाई कैसा रास्ता है ये? इससे कैसे गाड़ी चढ़ा दी हमने भाई, अब पता लग रहा है दूसरे एंगल से देख रहे हैं आते वक्त। ओ बेल्ट और यार दूर परेशान करते हैं यहाँ पे दो की स्पीड नहीं गिर रहे हम यहाँ दो की स्पीड पे बेल्ट की कह रही हाँ दुखी करके रख दिया पी 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 ने। ओ वाह ये गाड़ी वो गाड़ी वाले भैया थोड़ी गाड़ी हटा लो। है यानी इसके पास स्पेस ले गया बैग बढ़िया भाई, हम कहाँ ले जाते हैं। के तू कैमरे के पीछे मत जा, नहीं हम पता है सीधा और उतरेंगे पार्वती रिवर में। और वो कहाँ जा रही है? और हम हैं वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है ब्यास में मिल रही है पार्वती के बाद ब्यास में मिलेंगे, ब्यास के बाद आगे डैम है, डैम से नीचे गिरेंगे। मजे मत ले हाँ नहीं देख पाएगा कोई वीडियो ये ये मोबाइल में रह जाएगी भाई जो देख रहा है वो भी ध्यान रखना, फोकस वीडियो पे मत करना, रोड पे करना रोड पे ये पत्थरों पे कौन सा पत्थर ठीक है यहाँ से चला सकते हैं क्योंकि ये खतरीली जगह, खतरों के खिलाड़ी। हाँ यहाँ ले आओ भाई, ज्यादा जिसको ऑफ रोडिंग का शौक है ना यहाँ अपने खुजली मिटा लो यार बेहोश। हाँ वाह 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 जी वाह वाह, ये वो कट था ना जिसपे नीचे डरी थी। हाँ पर इस पे भी ना वो 4x4 लगा दी चढ़ा दी थी पर धुआं निकल गया था। पर ये ऑल्टो कैसे गई होगी यहाँ से? पक्का यहाँ की ऑल्टोज में फ्लाइट मोड है फ्लाइंग मोड, फ्लाइट नहीं फ्लाइंग मोड एक बटन दबाएंगे एक ही घड़ी ऑल्टो ऑल्टो तो भाई कुछ है इसके अंदर, वो कहते हैं ना कौन सी एनर्जी सुपर पावर रेडबुल पिलाते हैं अच्छा डीजल पेट्रोल ही डालते हैं। और है भाई देखो उतरना कितना इजी है यार, वो गटर पटर क्या पत्थर लगा टायर पे देख लो भाई कैसा टर्न है। आगे कुछ दिख रहा है? आगे चले पीछे? पीछे चल, है कोई ऑप्शन आगे जाने? नो डाउट पीछे भाई बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा रिस्की रास्ता है, तो जिसको भाई थोड़ी बहुत चलानी आती हो बिल्कुल भी ट्राई मत करना कहीं आगे से हिंसा बन जाओ। जिसको बिल्कुल परफेक्ट है ना जो वही बंदा ना यहाँ पे, नहीं तो रहने देना तो बैक भी नहीं चढ़ रही। अब यहाँ लगाना पड़ेगा कुछ, इसका उपयोग करना पड़ेगा कुछ। बैक नहीं जा रही ना, अटक गई इस मोड पे, आगे गड्ढा है गहरा लेफ्ट तो मोड बंद हो गई चल जाएगी वो तो। और भाई ये रास्ता था, ओ ये रास्ता नहीं मतलब ये गड्ढा था सही रहा। ओह बिल्कुल गड्ढे पे खड़े हम तो, और बैक लगानी पड़ेगी बिल्कुल गड्ढे के ऊपर। अच्छा भाई
करने के चक्कर में दिख गया, ये तो बिल्कुल गड्ढे के अंदर ही जाता टायर पक्का, इस पे खड़ा था देखो ये रहा, हाँ चली तो शायद जाती पर पक्का नहीं, यहाँ पे टायर आ गया था भाई गलती से। चलो भाई जो भगवान कराता ठीक ही कराता है, मैं सोचा रिकॉर्ड करूँ कितनी दूर है, देखा तो गड्ढा ही था वहाँ। ये देखो भाई एप्पल ही एप्पल, यहाँ एक एप्पल की तो मौज है भाई, हम ऐसी जगह आ गए शायद सबसे ज्यादा एप्पल मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे देखे हैं सच्ची में, आज तक इतने सारे एप्पल नहीं देखे मैंने एक साथ, कई जगह जगह बहुत ज्यादा ट्रेवल करके देखे हुए, यहाँ तो रास्ता ही एप्पल का है, पूरा रास्ता एप्पल का, रास्ते पे गिरे हुए हैं एप्पल ऐसे तो भाई, वहाँ 200-250 रुपए के जी है और यहाँ तोड़ना मत नहीं तो गांव वाले तोड़ेंगे भी पकड़ के। नहीं आप सोच रहे हो कि भाई आ गया मैं एप्पल खा ले तो एप्पल की जगह फिर पेपल मिलेंगे। ये देखो भाई मौज है एकदम भाई, देखो पूरे और आगे तक है, रास्ते में दिखाते रहेंगे, हाँ पूरे रास्ते भाई मौज। ये देखो छोटे एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, सारे एप्पल ऊपर तक है। और हाँ गाड़ी चलाने पर ध्यान देते भाई, यहाँ पर ऐसे रास्ता है आप लोग देखो राइट लेफ्ट पे, अब हम टूटे-फूटे रोड से निकल गए, थोड़ा सा आएगा बीच में एक दो पैच आएंगे, हाँ वो पहाड़ी पूरा टूट गया था ना वो वाला पैच आएगा, वो जो जेसीबी खड़ी है वहाँ, हाँ ये लेफ्ट साइड में देखो दूर से दूर तक वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है भाई एप्पल ही एप्पल दिख रहे हैं आगे तक, जहाँ तक वो व्हाइट व्हाइट सा मकान सा दिख रहा ऊपर, वो नीचे गिरा हुआ था एक एप्पल। ये देखो सारे कैरेट और सब गाड़ियों में एप्पल है, पर ये फंस गई गाड़ियाँ भाई, ये गाड़ी आगे से आ रही है, कौन सी है गाड़ी, ये रखे जी एप्पल, ये एप्पल क्या रेट दे रहे हो जी, एप्पल दे रहे हो नहीं दे रहे, लाला जी क्या कहते हो, लाला जी बोलो सब्जी मंडी के लिए भरते हो, अच्छा बल्क में देना आपने तो पूरा कैरेट के कैरेट दोगे, हम भी ले लेंगे कैरेट, ले लो क्या रेट दोगे पूछो, परे परे वो आपको मुनीम बना रहे हो, वो आप उसको मुनीम बना रहे हो, लाले ये है या मुनीम नहीं कोई है, हां लाले है, लाले हैं जब, अच्छा चलो बढ़िया, को नहीं है तो बताओ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो आप पहुंचने तो हमारे वहीं है घूम फिर के, आगे तो कहीं भी जाए, हाँ कहीं भी जाए क्या पता हमारे वहाँ पहुंचे गए, चलो ठीक है कोई क्या पता कहीं जाए, वैसे मंडी में क्या रेट दे रहे हो आप, 80-90 90 भाई एप्पल तो ठीक दिख रहे हैं बढ़िया है, भाई अभी जा रहे हैं वापस अपने उसी होटल पे ढाबे पे जो भी देखो वहां से सारी, अभी अभी गिरा हम यहीं से गए हैं अभी, और दुश्मन है भाई, गाड़ी में और लग गई भाई, जब समय खराब होते हैं जब ऐसे होता है, इसमें लगी भाई, ये टूट के गिर गया इसके अंदर, रोड ब्लॉक क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब आ गए तो नहीं है, ऊपर है? ऊपर से भी है रोड, ऊपर वो भी टूट गया पांच जगह से, और ये टनल है ये हरा बाग सुंदर नगर जहाँ हाईवे जाता है, अच्छा अच्छा सुंदर नगर, हाँ वो बहुत बड़ी नदी, हरा बाग, हाँ हरा बाग, ये लैंड स्लाइड हुआ है बादल फट गया कल, आज कल रात को शाम को हुआ है 8-9 बजे शायद, बड़ी तेज बिजली कट गई, और दूसरा वाला जो आप दिखा रहे हो ये कहाँ से, ये पंडो का, पंडो अच्छा ये टनल से आ गया, तो सब कुछ बह गया इसमें, नदी आज है हमारा भाई यहाँ पे तीसरा दिन, और भाई फंसे हुए हैं पहाड़, आपको मैंने कल दिखाई दिए थे कितने बुरे हाल है भाई, सारी जगह लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड, बारिश आज मतलब कल रात को 9:30 के करीब करीब रुक गई थी, धीरे धीरे फिर भी हो रही थी भाई, हम खाना खुना कुछ नहीं बना पाए अपने आप तो, पर हाँ ये है कि हम फिर बैक साइड में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक ढाबा टाइप का है, वहाँ पर रुके हुए हम, उसके बाहर ही अपना गाड़ी लगा के सो रहे हैं, और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है भाई बहुत ज़्यादा,
मैं सिर्फ घूमना नहीं, घुमाना चाहता हूँ। ये नज़ारे देखना नहीं, दिखाना चाहता हूँ।